हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए एक और नई रेसिपी की तरफ, जो है नमकीन। तो लैया जानते हैं ना, मुरमुरे, उसकी हम नमकीन, मूंगफली, काफ़ी इंग्रेडिएंट्स मैंने मिलाए हैं, देख लीजिएगा दोस्तों। आगे बने रहिए मेरी वीडियो पे, फुल वॉच कीजिएगा। ये मैंने मूंगफली ले ली है, 1 कप है मूंगफली। तो क्वांटिटी आप बड़ा घटा सकते हैं, जैसा टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये फ्राई हो गई हैं, ये देखिए, ले लिया कढ़ाई में सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही मैंने फ्राई किया है। इधर थोड़े से काजू ले लेंगे, 8 से 10 काजू ले लिए हैं मैंने। तो उनको फ्राई कर, आप अगर डालना चाहें डाल सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने कहा, जैसे बड़ा घटा सकते हैं, आपको नहीं डालना है। यहाँ किशमिश भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो किशमिश और काजू आप अगर घी में फ्राई करें तो कर सकते हैं घी में, ठीक है। मैंने यहाँ तेल में ही काजू निकाल दिए थे, क्योंकि नमकीन है, ज़्यादा समय तक रखेंगे इसको तो घी वाला आइटम जैसे रहता है ना ठंडियों में, तो गले में वो बच्चों के भी नुकसान करता है। ठंडा होने के बाद घी जम जाता है, हल्का फुल्का तो जमेगा ही, इसलिए कि मैंने ज़्यादा सी क्वांटिटी में बनाई थी, इसलिए मैं सरसों के तेल में फ्राई किए थे। सो इधर मैंने ले लिए हैं क्या, चूड़ा। तो जानते हैं दोस्तों, चूड़ा, मोटा वाला चूड़ा जो आता है ना, वो चूड़ा है ये। इसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रेनर में हम डाल के थोड़ा थोड़ा करके। क्वांटिटी आप ज़्यादा बड़ा घटा सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, जो भी आपको चीज़, जो भी मैं इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, लैया है, चूड़ा है, मूंगफली, काजू, जो भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना चाहें डाल सकते हैं। नमकीन सब तरह की बनती है, मिक्सअप वाली है ये, मिक्सर जो होता है उस तरह का है। और आप चटपटा भी बना सकते हैं, सॉल्टेड भी बना सकते हैं, ठीक है, बच्चों के हिसाब से। बहुत तीखा ना बनाइएगा अगर बच्चे खाते, क्योंकि बच्चे ये नमकीन बहुत मन से खाते हैं। देखिए, यहाँ चूड़ा मैंने और फ्राई कर लिया है, तो मैंने ज़्यादा सा लिया था, करीब करीब 250 ग्राम चूड़ा था, 250 ग्राम। दो बार में मैंने इसको तेल से अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया, कैसे फूल के ऊपर आ गया है दोस्तों। इस तरह से धीमे धीमे कर लीजिएगा, आप थोड़ा भी बनाएंगे तो थोड़ी क्वांटिटी में, आप धीरे धीरे थोड़ा करिएगा, बच के करिएगा, संभल के करिएगा, तेल बहुत गर्म है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ ले लिया है 1 कप बेसन। तो यहाँ बेसन का मैं सेव बनाऊंगी, ठीक है, कुछ पतला बनाऊंगी, जो इसकी थिकनेस होगी आप देखिएगा, पतली वाली सेव जो होती है ना, वो बेसन की सेव बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, तेल मेरा जो सरसों का था गुनगुना, वही हल्का सा ठंडा करके मैंने इसमें डाला है। हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, जो भी आप मसाले डालना चाहें, काला नमक, गरम मसाला, भुना जीरा, ठीक है, हींग, ये काला नमक डाल दिया मैंने, नहीं सादा नमक है ये, और इधर काला नमक डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा काला नमक मैंने डाल दिया है, ठीक है। हींग मैं भूल गई थी, हींग मैंने बाद में डाली है। ये मिक्स कर देंगे अच्छे से, आप हाथ से भी कर सकते हैं, मैंने स्पून से कर दिया था। तो इसको मिक्स करने के बाद, जो कप में हमने बेसन लिया था ना, 1 कप बेसन, उसी में हम कलर थोड़ा सा डालेंगे। तो येलो कलर है ये, फूड कलर जो आता है ना, वो वाला है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। ध्यान से बनाइएगा पेस्ट, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा टाइट भी डो नहीं लगाना है इसका, इसका बैटर टाइप में बना लेंगे, लेकिन बैटर भी बहुत पतला नहीं करना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसकी थिकनेस कितनी है, उस हिसाब से करिएगा, ताकि सेव हमारा सॉफ्ट बने, ठीक। तो इसके लिए इसको फेंट लेंगे धीरे से, आप विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं इसको, मैंने हाथ से चम्मच से ही कर लिया था, फिर मैंने हाथ से भी फेंटा था इसको, स्पैचुला हो तो स्पैचुला से अच्छे से मिला लीजिएगा। ये देखिए, हींग मैंने अब डाली है, बस हींग इसको मिला के थोड़ी देर, मतलब पलट पलट करके हींग को बीच में दबा देंगे, ताकि सॉफ्ट हो जाए हींग, फिर बाद में मैंने अच्छे से इसको मिला दिया बेसन को। इधर हमने ले लिया है, आपके पास अगर ये मशीन हो, सेव निकालने वाली जो मशीन आती है ना, आप तो ऑनलाइन मिलने लगी है दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा, अगर ना हो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिएगा, बहुत आसानी से मिल जाती है। ना हो तो जो हम लोग के पास जो हता होता है ना, छेद वाला, ये जो रखा हुआ है सामने, देख सकते हैं आप, जो स्पैचुला बोलें कि करछुल बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर बेसन डाल के, मेरी एक वीडियो पिछली भी मैंने डाली थी, इसमें गाठिया बनाया था, तो मैंने इसी से बनाया था सॉरी दोस्तों। तो मैंने आपको बताऊँ तो
मैंने ये जो गाठिया बनाया था इसी करछुल से बनाया था, जो झारा होता है हम लोग के पास उससे, ठीक है। अगर ना हो मशीन तो आप उसे भी बना सकते हैं, तो आप पीछे जाके मेरी वीडियो में देख सकते हैं, शॉर्ट भी डाली है मैंने, लॉन्ग भी डाली है गाठिया की रेसिपी, आप देख लीजिएगा। ये देखिए मैंने मशीन में, बहुत ज़्यादा फुल नहीं करना है इसको, हाफ भरा है मैंने खाली, और देखिए सेव अपने आप ही निकल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस मैंने कितनी रखी थी, ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट है, ठीक है। और देखिए ना मैंने सोडा डाला ना कुछ डाला, दोस्तों इसी तरह से बनाइएगा, बहुत बहुत यम्मी बनता है, सॉफ्ट बनता है बहुत, ठीक है, मतलब टाइट नहीं बन, डो टाइट लगाएंगे तो सेव निकालने में आपको बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो ज़्यादा डो टाइट नहीं लगाना है, डो को इस तरह से रखना है कि मशीन से हम घुमाएं जल्दी से आसानी से निकल जाए। देखिए सारा सेव हमारा भुन के तैयार है, अब थोड़ी सी मशीन की हम जो प्लेट होती है जिससे निकालते हैं डिज़ाइन, तो डिज़ाइन चेंज करिए मैंने, ये देखिए इसको हम दूसरी शेप में निकाल देंगे, नमकीन में जो सेव होती है ना मोटी सी, इस तरह से गाठिया भी होते हैं बहुत तरह के, उसमें बूंदी भी पड़ी होती है, आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने ज़्यादा उसमें नहीं बनाया था, बच्चों के खाने के लिए फटाफट वाला बना दिया था, तो आप घर में जल्दी अगर आपको कहीं जाना हो, सफ़र में जाना हो, या कोई गेस्ट आ जाए, आप फटफट झटपट इसको बना सकते हैं, फटाफट बन जाती है ये रेसिपी, ऐसी है दोस्तों। बेसन घोलिए फटाफट, जल्दी से मशीन ना हो तो जारे से ही आप निकाल सकते हैं इसको। ये देखिए इधर ले ली मैंने कढ़ाई, इसमें सरसों का तेल जो गरम वाला था ना वही मैंने थोड़ा सा डाला है, और लहसुन को मैंने क्या किया छील के और कूट दिया है, कूट के कड़ी पत्ता हरी मिर्च डाल दी है इसमें, थोड़ा सा भुना जीरा डाल दीजिएगा आप, इधर डाल दिया है मैंने हल्दी नमक, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं मैंने, हल्की सॉल्टेडी और हल्का कलर आ जाए इसलिए मैंने हल्दी डाली थी दोस्तों। ये देखिए यहाँ मैंने मूंगफली डाल दी है इसमें, मूंगफली काजू जो आपने रोस्ट किए थे, मतलब फ्राई किए थे, तो आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं माइक्रोवेव में, अगर मूंगफली और काजू आप फ्राई करना चाहें या सूखा ऐसे ही फ्राई करना चाहें हल्का सा घी डाल के, तो आप कर सकते हैं मूंगफली और उसको, कोई ज़रूरी नहीं है कि तेल में फ्राई करिए, मैंने तेल में किया था। ये देखिए मैंने चूड़ा भी डाल दिया है, लैया जो थी ना मुरमुरे वो भी डाल दिए, तो लैया तो मैंने फ्राई नहीं की थी, अब इसके साथ फ्राई करूँगी, जब नमकीन मैंने सारी कढ़ाई में डाल दी है, देख सकते हैं दोस्तों, सारी मिक्स कर लीजिएगा, गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रख दी, जितनी लो से लो कर सकते हैं उतनी कर दीजिए, क्योंकि नीचे लगने के चांसेस होते हैं, गर्म हो जाती है कढ़ाई, तो आप बंद कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कढ़ाई इतनी गर्म है इसी में हमारे, मैंने तो गैस बंद कर दी थी दोस्तों, क्योंकि ना गैस अगर खुली रहेगी ना तो नीचे लग जाता है, ठीक है। और कढ़ाई में भी आ नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था मैंने। ये देखिए ये सेव ठंडा हो गया हमारा, इसको मैंने क्या किया, सेव हमारे ठंडे हो गए तो इनको हमने खूब हाथों से खूब तोड़ लिए हैं, खूब महीन महीन, एकदम क्रिस्पी करारा था दोस्तों। वीडियो में ये आवाज़ नहीं आ पाई है, सॉरी, तो आप देख सकते हैं मैं तोड़ रही हूँ, एकदम से टूटता जा रहा है। ये देखिए ये इसी नमकीन में सारे हम मिला लेंगे, आप डालना चाहे डाल सकते हैं बेसन का, नहीं आप लैया की ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं टिफ़िन बॉक्स में ले जाने के लिए, बच्चों के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो नहीं खाते हैं लंच में, तो उनको ये अगर देंगे टिफ़िन में तो बच्चे स्पून से आराम से खा सकते हैं, टिफ़िन रेसिपी भी है, समझ लीजिए आप, सब तरह से गेस्ट आ जाए तो किसी के सामने भी आप सर्व कर सकते हैं, इतनी अच्छी लगती है, अम्मी लगती है। कड़ी पत्ता खूब सारा डालिएगा, और लहसुन अगर ज़्यादा हो जाए तो लहसुन और ज़्यादा डाल दीजिएगा, मैंने तो एक गांठ पूरी डाल दी थी, और उसको काटिएगा नहीं लहसुन को, कूट लीजिएगा किसी से, ठीक है, मोटा मोटा हो लहसुन तो कूट लीजिएगा, कूटने से क्या होता है उसका फ्लेवर जो होता है लहसुन का वो पूरी नमकीन में आता है, बहुत यम्मी लगता है। हरी मिर्च मैंने स्लिट करके डाली थी, तो दोस्तों प्लीज़ मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा, बाय दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।